वेल तो है गाइस, डैनियल ब्राइन इज अ न्यू चैंपियन। क्या एक्सेप्ट करोगे आप लोग? वेल तो है गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या डैनियल ब्राइन स्मैकडाउन में जो मैच होने वाला है उनका रोमन रेंज से, उस मैच में चैंपियनशिप जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे। सो इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो जैसा कि हमें पता है कि रोमन रेंज वर्सेज डैनियल ब्राइन का हमें मैच देखने को मिलने वाला है स्मैकडाउन में, एंड बेसिकली ये तो हमें मेन इवेंट में ही देखने को मिलेगा। और ये जो मैच है ये डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच है रोमन रेंज के अगेंस्ट। और यहाँ पे जो कि स्मैकडाउन का करियर दाव पे लगा है जो कि डैनियल ब्राइन का, अगर यहाँ पे अगर डैनियल ब्राइन हार जाते हैं तो मे बी वो स्मैकडाउन से बाहर हो जाएंगे एंड वो और किसी मतलब इस ब्रांड में हमें दिखाई देंगे या फिर कहीं टीवी पे ऑफ हो जाएंगे। तो हमें ऐसी कुछ थिंग देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पे मतलब रोमन रेंज ने पूरा प्लान बना लिया है डैनियल ब्राइन को स्मैकडाउन से हटाने का, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर डैनियल ब्राइन के लिए अगर कोई अगर प्लान्स हैं या फिर मतलब किसी और ब्रांड में ले जाके वहाँ पे कोई अगर बड़े प्लान्स हैं तो मे भी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे डैनियल ब्राइन को हरवा दे एंड डैनियल ब्राइन को मतलब जो रोमन रेंस है रोमन रेंस डैनियल ब्राइन को क्लीन हरा दें। एंड हराने के बाद तो मे भी हो सकता है कि भाई मतलब क्लियरली हमें दिख जाएगा कि ये राइवलरी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी एंड डैनियल ब्राइन फिर हमें किसी और ब्रांड में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग होगा। क्योंकि रोमन रेंस वर्सेज डैनियल ब्राइन हमने इतनी बार देख चुका है कि अब उसे कोई मतलब वापस कोई नहीं चाहता कि ये रावलरी हमें और बार बार देखने को मिले। वेल इंटरेस्टिंग तो थी ये रावलरी, बहुत ही अच्छी खासी लगी, बट एक ही चीज़ को अगर बार बार कराएंगे तो हमें बोर लगना ही लगेगा। तो इसीलिए मे भी यहाँ पे जो सिजारो के लिए हमें देखने को मिलेगा तो सिजारो के लिए मे भी हो सकता है हमें आगे कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। एंड जो बेसिकली ये मैच है, ये मैच में मुझे लगता है कि डैनियल ब्राइन चैंपियन नहीं बन पाएंगे। एंड ऐसा अगर डब्ल्यू ने कोई शॉकिंग थिंग प्लान करके रखा हो या फिर रेसलमेनिया बैकलैश के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे हमें टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है। मैं अगर शॉकिंग थिंग देखने को मिला, अगर शॉकिंग चीज सोच के रखी है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो हमें टाइटल चेंज यहां पे देखने को मिल सकता है। एंड अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस से टाइटल छीनेगा भी। एंड रोमन रेंस अभी तो बहुत दिनों तक चैंपियन रहने वाले हैं, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे बेस्ट थिंग होने वाली है। एंड डैनियल ब्राइन का चांसेस आई थिंक बहुत कम है कि वो चैंपियनशिप जीत पाएंगे, या फिर हो सकता है यार कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है इस मैच में। एंड यहाँ पे तो हमें बहुत सारे सुपरस्टार देखने को मिलेंगे, जैसे जे उसे हो गए एंड उसके बाद तो सिजारो भी देखने को मिल सकते हैं। एंड सिजारो आएंगे तो बेसिकली हमारे सेथ रॉलिंस भी देखने को मिलेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही बेस्ट थिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड ये मैच के अंदर ही हमें पता चलेगा कि भाई डैनियल ब्राइन चैंपियन बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं, एंड रोमन रेंस कितना डोमिनेट करते हैं, डैनियल ब्राइन कितना डोमिनेट करते हैं। एंड यहाँ पे अगर डैनियल ब्राइन हार गए तो फिर कौन से ब्रांड में जाते हैं एंड कौन से ब्रांड में वो जाते हैं, एनएक्सटी में जाते हैं या फिर रॉ में जाते हैं, अगर रॉ में जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन वहाँ पे हैं। सो हमें इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है कल के स्मैकडाउन में। सो देखना इंटरेस्टिंग क्या होता है क्या नहीं होता। तो वेल आपके ओपिनियन इस थिंग के ऊपर क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। I'll play